Hey, good morning everyone. I hope you guys are having a really great day. मैंने आपको बताया था नहीं कल क्या सीन हुआ था, मतलब जब मैं एयरपोर्ट से आया था तो वो एक लग्जरी टैक्सी में बैठा दिया था ब्लैक, जिसका इतने ज़्यादा चार्जेस थे ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई एयरपोर्ट से यहाँ आने के इतने पैसे, 150 दिरहम्स ले लिए थे। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी एंड फ्रेंड से बात करने का तो उसने बताया कि ये जो ब्लैक टैक्सीज वगैरह होती है ना, जो प्रीमियम टैक्सी होती है, ऑब्वियसली इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक प्रॉपर सूट पहना हुआ था बंदा और वैसे गेट खोल के बता रहा कि सर बैठिए आप, तो ऐसा वो जो फील आता है ना वो तगड़ा आ रहा था। फिर यहाँ पर होटल में ड्रॉप करने के बाद में वो फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करके आपको देता है, तो वो बहुत प्रीमियम फील कराते हैं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी तो उसने बताया कि ब्लैक टैक्सीज वगैरह जो होती है ना, इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फिर एक ऐप है करीम ऐप, जो ओला ऊबर की तरह ही होता है, जो दुबई में चलता है करीम ऐप, तो फिर मैंने उसको डाउनलोड किया। तो फिर कल बुर्ज खलीफा और इधर उधर जाना था ना, तो वो मैं फिर उसी ऐप के ज़रिए कैब बुक करके जा रहा था। अभी के टाइम पे कैब वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर दुबई में एक एक्सपो लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हुए हैं, तो जिस वजह से पूरे कैब्स और वो सारी चीज़ें बिजी चल रही हैं। कल मैंने बुर्ज खलीफा एक्सप्लोर किया था बिल्कुल हाईएस्ट फ्लोर पर जाके, एंड केवल मैं बुर्ज खलीफा होटल की बुकिंग और फ्लाइट टिकट्स करके आया था, तो मैंने आज के दिन के लिए प्लान नहीं किया था। तो फिर अभी मैंने ब्रेकफास्ट के बाद सुबह जाके यहाँ पर होटल स्टाफ के साथ ही आज एक्वावेंचर की टिकट्स बुक कर लिए। एक्वावेंचर एक अपने अगर दुबई के बारे में पढ़ा हुआ है देखा हुआ है तो एटलांटिस द पाम काफ़ी फेमस होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है। तो वहाँ पर एक्वावेंचर है जहाँ पूरा वो वाटर पार्क है, एक्वेरियम है, डॉल्फिन्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो उस जगह पर मैं जाने वाला हूँ, तो उस जगह के टिकट्स बुक किए हैं। एंड इसके बाद मैं फिर आसपास ही कहीं एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। एंड कल के लिए भी मैंने प्लान कर लिया आज बैठकर होटल स्टाफ के साथ में, तो जो भी होगा वो तो पता चलता रहेगा। तो आज वो पानी वानी वाला सारा फील आने वाला है, बीच पर भी जाने वाला हूँ। वहाँ पर जो एटलांटिस द पाम है, जो एक्वावेंचर है, वहाँ पर ही बीच है। तो बट एक दिक्कत हुई कि मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूल गया। एंड वन मोर थिंग इज़ इफ़ यू डोंट नो, मुझे कार्स और ऐसे बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसे बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है मेरे को ऐसे कार्स वगैरह को देख के। एंड यहाँ पे इतना नॉर्मल है ना, यहाँ पे मेज़राटी, मैकलेरन, फरारी, लैम्बो, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही है ना, ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पर। और अभी जैसे ये जो ग्लास है ना, ये बिल्कुल ऐसे विंड प्रूफ है या साउंड प्रूफ जो भी बोल लो, कि बाहर की गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही जबकि इतनी सारी गाड़ियाँ बाहर चल रही हैं। बट मॉर्निंग में 7 o'clock समथिंग यहाँ पर कोई गाड़ी निकली जो बहुत ज़्यादा खतरनाक एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा था उसका, और मतलब अंदर तक आ रहा था जबकि ये ग्लास से मतलब अंदर साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन वो गाड़ी पता नहीं कौन सी होगी, मैं देख नहीं पाया जब तक मैं आया, तब तक वो गायब हो चुकी थी, और इतना तेज़ उसका एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा था। बस अब मैं थोड़ा रेडी होऊंगा, रेडी होने के बाद मैं नॉर्मल कपड़े पहने, क्योंकि आज बीच साइड में जाना है, तो बस थोड़ा बहुत कपड़े रख लूँगा साथ में। स्विमिंग शॉर्ट लाना भूल गया अपना यार, तो वो चीज़ देखना पड़ेगी वहाँ पे अगर ले पाऊँ तो। हाँ, तो रेडी होने के बाद मैं फिर देखता हूँ कि कितनी देर से निकलना है, वहाँ पर 3-4 घंटे लगने वाले हैं, फिर शाम के टाइम का भी कुछ प्लान करना है। तो अभी यहाँ से चलते हैं एक्वावेंचर। तो जैसा कि अभी पानी वाली जगह पे जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अपना DSLR घर मतलब होटल में रख के आ गया हूँ, तो अब GoPro से शूट करने वाला हूँ। मैंने ये गाड़ी देखी, गाड़ी बहुत प्यारी नहीं लग रही है? तुम्हारे भाई के पास भी होगी एक रेंज रोवर एक दिन। मतलब मेरे को है ना, अगर SUV में सबसे ज़्यादा पसंद आती ना कोई गाड़ी तो वो रेंज रोवर ही है। मैंने अपने इंडिया में तो अपने ग्वालियर में, दिल्ली में तो ब्लैक, वाइट, रेड ही देखी है, बट ये कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लुक एट दिस। आएगा वो वीडियो जल्दी भी जब तुम्हारा भाई ऐसे रेंज रोवर से उतर के बोलेगा कि दिस इज़ माय न्यू कार। वाटर पार्क का पास ले लिया एंड स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूल गया था, इसलिए स्विमिंग शॉर्ट्स लेने के लिए आसपास कहीं भी मॉल में देखना, स्विमिंग शॉर्ट्स से ही एंट्री होगी, आई गेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्विमिंग शॉर्ट लेना है जिससे वहाँ पर एंट्री हो पाए। मेरे को घर से ना शॉर्ट्स लेके आने चाहिए थे स्विमिंग के, ध्यान भूल गया कि मुझे बीच पर जाना है, अदरवाइज यहाँ पर अभी बिना शॉर्ट्स के एंट्री नहीं है, अंडरवेयर पहन के जा नहीं सकते अंदर। एंड
6,000 का शॉट लेना पड़ा यहाँ पे। 6,000 रुपये का एक चड्डा यार, मतलब क्या ही है इसमें। और दूसरी जब मैंने सोचा कि सस्ता देख लेता हूँ आगे जाके, तो वहाँ पर तो बाप रे 15,000-20,000 ये शॉर्ट्स इतने महंगे महंगे क्या काय के बन रहे हैं सोने के। अगर मैंने ना मम्मी को बता दिया ना कि मैंने 6,000 रुपये का एक चड्डा खरीदा है इतना महंगा है ना, मैंने कहीं पर नहीं सुना हो ये 6,000 रुपये का, ये इसमें क्या है बताना क्या है। ये एक अच्छा है नॉर्मल 6,000। शाम को 5:30 बजे ना यहाँ पर ये पूरा बंद हो जाता है, और सनसेट भी नहीं हुआ था उससे पहले ये लोग बंद करने लगते क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो 5:30 बजे ही मैं आ गया था, बट अंदर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है शावर लेने के लिए, तो पूरा चेंज वेंज कर लिया। अभी आधा घंटा लग गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ से ये पास लिया था, ये एक्वेरियम का भी है, तो यहाँ से पहले अब एक्वेरियम जाऊँगा। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखने वाली वहाँ पर, और अभी जब अंदर एक जो स्लाइड दिखाई थी ना उसमें भी काफ़ी सारी मछलियाँ थी। जब एक्वेरियम अलग से बना हुआ तो देखते हैं कि उसमें कितनी सारी मछलियाँ हैं। कितना अनरियल लग रहा है ना इतना पास से देखने पर ही। Your heart.